हॉथोन एक्सपेरिमेंट्स या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हॉथोन एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। तो दीज एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। ये एक्सपेरिमेंट्स ये चेक एनालाइज करने के लिए किए गए थे कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि यूएसए की थी उसके हॉथॉर्न प्लांट में किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट रखा गया था। तो जो कि एल्टन मायो, वाइट हर्ड, रोथेलबर्ग और विलियम डिक्सन ने मिलकर किया था। इसमें चार एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे, जो कि एक पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1924 से 27 तक चला। दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स, जो कि 1927 से 28 तक चला। फिर मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, जो कि 1928 से 30 तक था और किया गया। और बैंक वायरिंग एक्सप्लोरेशन रूम एक्सपेरिमेंट, जो कि 1931 से 32 तक किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स की। तो जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स थे वो अंडरटेक किए गए थे टू फाइंड आउट हाउ वेरिंग लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ लाइट का वर्क प्लेस पे, या कह सकते हैं फिजिकल फैक्टर जो कि था उसका कितना प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हाइपोथेसिस ये थी कि जितना ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी वर्क प्लेस में, उस उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली थी। इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वॉज चूजन। तो ग्रुप ऑफ वर्कर्स चूज किए गए जो दो सेपरेट ग्रुप में थे। वन ग्रुप था जो कि एक्सपोज होगा लाइटनिंग चेन, बार 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 चेंज करके देखेंगे लाइटनिंग इंटेंसिटी को, और उस ग्रुप को जो है एक्सपेरिमेंटल चेंजेस फेस करेगा। तो इट वॉज टर्म्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाने वाला था। अनदर जो दूसरा ग्रुप था, जिसको बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप, कंटिन्यू टू वर्क अंडर कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सेम अमाउंट ऑफ लाइट उसको मिलने वाली थी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने थे कंट्रोल ग्रुप में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वह बार बार चेंज करके देखा जाने वाला था कि क्या चेंजेस आएंगे। द रिसर्चर फाउंड दैट एज दे इंक्रीज द इल्यूमिनेशन इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, बोथ ग्रुप्स इंक्रीज प्रोडक्शन। तो जैसे ही वो वेरी करते थे, चेंज करते थे, तो उनका प्रोडक्शन चेंज होता था, दोनों इंटेंसिटी इंक्रीज होता था प्रोडक्शन। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन डिक्रीज द प्रोडक्शन कंटिन्यू टू इंक्रीज इन बोथ द ग्रुप। अगर हम लाइटनिंग कम भी कर देते थे तब भी कोई भी फर्क नहीं आता था, तब भी सेम ही इंक्रीज ही होता था प्रोडक्शन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तब तक कोई चेंज नहीं आया जब तक कि जो इल्यूमिनेशन का जो इम्पैक्ट था, जो लाइटनिंग का इम्पैक्ट था, बहुत ही ज़्यादा मून लाइट तक एकदम कर नहीं दिया। इतना इतना हल्का कर दिया उन्होंने इम्पैक्ट की, डिक्रीज टू द लेवल ऑफ मून लाइट। द डिक्रीज वॉज ड्यू टू लाइट फॉलिंग मच बिलो द नॉर्मल लेवल। जब नॉर्मल लेवल से भी डिक्रीज हो गई तब प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग गया था। दस इट वॉज कंक्लूडेड दैट इल्यूमिनेशन डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी, बट समथिंग एल्स वॉज इंटरफेयरिंग विद द प्रोडक्टिविटी। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि इल्यूमिनेशन यानी कि वर्क प्लेस पर लाइट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि कुछ और है जो कि इस प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट डाल रहा था। एट दैट टाइम इट वॉज कंक्लूडेड दैट ह्यूमन फैक्टर वॉज इम्पॉर्टेंट, कि ह्यूमन फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है डिटरमाइनिंग प्रोडक्टिविटी, बट विच एस्पेक्ट वॉज अफेक्टिंग इट वॉज नॉट श्योर। तो ये क्लियर नहीं हो पाया, तो देयर फॉर अनदर फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वॉज कंडक्टेड। दूसरा एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, जिसमें ये इम्पैक्ट चेक करने वाले द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द वेरियस जॉब कंडीशन ऑन द ग्रुप प्रोडक्टिविटी, कि वेरियस जॉब कंडीशन का ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने दो गर्ल्स को चूज़ किया था। तो जो गर्ल्स थी उनको उनको और गर्ल्स को उनके कोवर्कर्स को चूज़ करने के लिए बोला गया। द वर्क रिलेटेड टू द असेंबली ऑफ टेलीफोन रिले, देन ईच रिले कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ पार्ट्स विच गर्ल्स असेंबल्ड इन टू फिनिश प्रोडक्ट। आउटपुट जो है डिपेंड करना था स्पीड और क्वान्टिटी पे डिपेंड करने वाला था उन गर्ल्स की। देन एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड विद इंट्रोड्यूसिंग न्यूमरस चेंजेस इन सीक्वेंस विद ड्यूरेशन ऑफ ईच चेंज रेंजिंग फ्रॉम 4 to 12 वीक्स। तो 4 से लेके 12 वीक्स का जो है वो ड्यूरेशन में चेंजेस होने किए जाने वाले थे, चेक करने के लिए प्रोडक्टिविटी को।
एक ऑब्जर्वर भी इन गर्ल्स के साथ एसोसिएट किया गया था जो कि इनको इनके काम को सुपरवाइज करने वाला था। बिफोर ईच चेंज वाज इंट्रोड्यूस द गर्ल्स वर कंसल्टेड, गर्ल्स को कंसल्ट किया जाता था कोई भी चेंज करने से पहले, और उनकी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। समटाइम वो खुद डिसीजंस भी ले पाती थी मैटर्स से रिलेटेड। अब देखते हैं कि चेंजेस और आउटकम्स इसके क्या निकले जो चेंजेस इन्होंने किए। तो सबसे पहले जब इंसेंटिव सिस्टम में इन्होंने चेंज किया तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई एज कम्पेयर टू बिफोर। फिर उसके बाद जब इन्होंने 2-5 मिनट्स का रेस्ट देना स्टार्ट किया तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद इन्होंने रेस्ट पीरियड को इन्होंने रिड्यूस किया 5 मिनट से, बट फ्रीक्वेंसी वॉज इंक्रीज, मतलब बार बार वो देने लगे ज़्यादा टाइम में। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई स्लाइटली एंड द गर्ल्स कंप्लेन दैट फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल्स अफेक्ट्स द रिदम ऑफ द वर्क, कि बार बार ब्रेक्स देने की वजह से उनकी जो रिदम वर्क का था वो खराब हो जा रहा था। देन उसके बाद जो नंबर ऑफ रेस्ट थे वो रिड्यूस करके 2 कर दिए गए, जिसमें कि 10 मिनट्स ईच के होंगे। बट इन मॉर्निंग कॉफ़ी और सूप वॉज सर्व्ड एंड अलॉन्ग द सैंडविच एंड इन द इवनिंग स्नैक वॉज प्रोवाइडेड, द स्नैक पर इससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। चेंजेस इन द वर्किंग आवर एंड वर्क डे वर इंट्रोड्यूस सच एज कटिंग एन आवर ऑफ द एंड ऑफ द डे एंड एलिमिनेटिंग सैटरडे वर्किंग। तो द गर्ल्स वर अलाउड टू लीव एट 4:30 इंस्टेड ऑफ 5, तो गर्ल्स को पहले ही छोड़ दिया जाने लगा, अलाउ कर दिया गया। एंड लेटर 4 PM प्रोडक्टिविटी इससे भी इंक्रीज हुई। एज ईच चेंजेस वॉज इंट्रोड्यूस अब्सेंटिज्म डिक्रीज हो गया, मोरल इंक्रीज हो गया, लेस सुपरविजन की जरूरत पड़ने लगी। इट वॉज अज्यूम दैट दिस पॉजिटिव फैक्टर वर देयर बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स बींग एडजस्टेड एंड मेकिंग दैम मोर पॉजिटिव एट दिस टाइम। फिर उस टाइम में रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि वो कि रिवर्ट बैक कर देंगे ओरिजिनल सारी की सारी चीज़ों को ओरिजिनल पोजिशन पे। दैट इज नो रेस्ट नो बेनिफिट्स। सरप्राइजिंगली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई फर्दर इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। तो प्रोडक्टिविटी फिर भी इंक्रीज हुई, डाउन नहीं हुई। रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नॉट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन फिजिकल फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से नहीं हुई, बट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द गर्ल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड देयर वर्क ग्रुप। तो गर्ल्स के एटीट्यूड में चेंजेस की वजह से प्रोडक्टिविटी चेंज हुई है। तो दे डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी, गर्ल्स को स्टेबिलिटी की फीलिंग आ गई थी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो फील करने लगी थी। सिंस देयर वाज मोर फ्रीडम ऑफ वर्क दे डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड वर्कर्स बिकम क्लोज एंड फ्रेंडली हो गया था। इसके बाद बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अबाउट 20,000 इंटरव्यूज इन्होंने कंडक्ट किए 1928 से 1930 के बीच में, और टू डिटरमाइन द एम्प्लॉयज एटीट्यूड टूवर्ड्स कंपनी सुपरविजन इंश्योरेंस प्लान प्रमोशन वेजेस इन सब के एटीट्यूड्स को जान इन सब के बारे में जानने के लिए इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। स्टार्टिंग में ये इंटरव्यू जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग पे बेस्ड थे, जैसे कि डू यू लाइक योर सुपरवाइजर और इज ही योर ओपिनियन फेयर और डज ही हैव फेवरेट्स। तो ये इसमें येस और नो आंसर्स करने होते थे। दिस मेथड हैव डिसएडवांटेज ऑफ स्टिमुलेटिंग एंटागोनिज्म और द ओवर सिंप्लीफाइड येस और नो रिस्पॉन्सेज विच कुड नॉट गेट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो जिससे रूट प्रॉब्लम का क्या मेन रीजन है वो पता नहीं चल पा रहा था, तो उन्होंने चेंज किया नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू से, वेयर इंटरव्यूअर वॉज आस्क टू लिसन टू इंस्टेड ऑफ टॉकिंग आर्ग्यूइंग और एडवाइजिंग। यहाँ पे इंटरव्यू को लिसन करना था टॉकिंग और आर्ग्यूइंग करने की जगह पे। द इंटरव्यू प्रोग्राम गेव वैल्यूएबल इंसाइट्स अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर इन द कंपनी। तो मेजर फाइंडिंग्स क्या निकली कि कंप्लेंट इज नॉट नेसरली एन ऑब्जेक्टिव। उन्होंने बताया कि सिम्टम्स ऑफ पर्सनल डिस्टर्बेंस अ कॉज ऑफ विच मे बी डीप सीटेड। कहना क्या चाह रहे थे कि अ कंप्लेंट इज नॉट नेसरी एन ऑब्जेक्ट
एग्जॉस्टिव रिसाइटल ऑफ फैक्ट्स, सिर्फ कंप्लेंट सिर्फ फैक्ट्स नहीं है बल्कि ये सिम्टम है पर्सनल डिस्टरबेंस का या कॉज है, विच मे बी डीप सीटेड भी हो सकता था। ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स और इवेंट्स आर कैरियर्स ऑफ सोशल मीनिंग्स, दे बिकम रिलेटेड टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का रीजन बन सकते थे। द पर्सनल सिचुएशन ऑफ द वर्कर इज अ कॉन्फिग्रेशन कंपोज ऑफ अ पर्सनल प्रेफरेंस, इन्वॉल्व सेंटीमेंट्स और डिजायर्स, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड द सोशल डिफरेंस कंस्टिट्यूटिंग द पर्सन सोशल पास्ट एंड हिज प्रेजेंट इंटरपर्सनल रिलेशन, ये सब भी इम्पैक्ट डाल रहे थे। उसके बाद पोजिशन और स्टेटस ऑफ वर्कर इन द कंपनी इज अ रेफरेंस फ्रॉम विच द वर्कर असाइंस मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ द टू द इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फीचर्स ऑफ हिज एनवायरमेंट, सच एज आवर्स ऑफ वर्क, वेजेस एक्सेट्रा। तो द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच द वर्कर डिराइव्स सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। तो मतलब कंपनी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से ही वर्कर का सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन डिराइव होता था अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ हिज सोशल स्टेटस और एक्सपेक्टेड सोशल रिवॉर्ड्स। तो इसमें ये क्या फाइंड आउट, क्या निकल के आया कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वर्कर्स बिहेवियर वॉज बींग इन्फ्लुएंस बाय ग्रुप बिहेवियर, कि वर्कर का जो बिहेवियर है ग्रुप बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होगा। हाउ एवर दिस कंक्लूजन वॉज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री एंड देयर फॉर रिसर्चर डिसाइडेड टू कंडक्ट अनदर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद बात करते हैं चौथे एक्सपेरिमेंट की, जो कि था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट्स। दीज एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप का इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे क्या पड़ता है, ये फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ ग्रुप ऑफ 14 मेल, 14 मेल वर्कर्स को इन्होंने लिया था, वो फॉर्म्ड इनटू अ स्मॉल वर्क ग्रुप में इन्होंने लिया था। आवरली वेज फॉर ईच वर्कर वॉज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज आउटपुट ऑफ ईच वर्कर, बोनस आर ऑल्सो पेबल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इफेक्ट, तो बोनस भी इनको मिलने वाला था ग्रुप इफेक्ट के बेसिस पे। इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दैट हाईली इफिशियंट वर्कर्स वुड ब्रिंग प्रेशर ऑन लेस इफिशियंट वर्कर्स, कि जो हाईली इफिशियंट वर्कर्स हैं वो लेस इफिशियंट वर्कर्स पे इम्पैक्ट प्रेशर डालेंगे टू इंक्रीज आउटपुट एंड टेक एडवांटेज ऑफ ग्रुप इंसेंटिव प्लान। हाउ एवर द स्ट्रेटेजी डिड नॉट वर्क, स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया एंड वर्कर्स एस्टैब्लिश देयर ओन स्टैंडर्ड्स, खुद के स्टैंडर्ड उन्होंने क्रिएट कर लिए थे ऑफ आउटपुट एंड दिस वॉज इन्फोर्स्ड विगरसली बाय वेरियस मेथड्स ऑफ सोशल प्रेशर। द वर्कर्स साइटेड वेरियस रीजन फॉर दिस बिहेवियर, वर्कर्स ने इस बिहेवियर के लिए बहुत सारे रीजन्स भी साइट किए, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनको फियर था अनएम्प्लॉयमेंट का, फियर ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, डिजायर टू प्रोटेक्ट सो स्लो वर्कर्स। हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि दैट अ मैन एट वर्क इज मोटिवेटेड बाय मोर देन द सेटिस्फैक्शन ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, कि कोई भी मैन जो है वो इकोनॉमिक नीड्स के अलावा और भी चीज़ों से मोटिवेट होता है। मैनेजमेंट शुड रिकॉग्नाइज दैट पीपल आर इजेंशली सोशल बींग्स एंड नॉट मेरली इकोनॉमिक बींग्स, कि मैनेजमेंट को ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो सोशल बींग्स हैं, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक बींग्स हैं। एज अ सोशल बींग देयर आर मेम्बर्स ऑफ अ ग्रुप दैट द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रुप एटीट्यूड एंड ग्रुप साइकोलॉजी। हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट, ये पता चला कि दैट देयर वर मैनी ह्यूमन फैक्टर्स, कि और भी ह्यूमन फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स मोर देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देयरफॉर द फाइंडिंग्स ऑफ हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स वर टर्म्ड एज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच।